विमल मित्र की लिखी कहानी बहू। आबू पहाड़ में विविध प्रकार के साधुओं को देखा। किसी किसी की उम्र 300 साल है। नंग धड़ंग बाबा भोलेनाथ बनकर ध्यान में तल्लीन है। कोई तानपुरा लेकर ध्रुपद गाने में तल्लीन है। बगल में एक शिष्य है जो पखावज बजा रहा है। एक जगह गुफा में बिजली की रोशनी और रेफ्रिजरेटर पर नजर पड़ी। दोनों हाथ की 10 उंगलियों में हीरा पन्ना और मोती की 10 अंगूठियां हैं। बदन पर रेशमी गेरुआ वस्त्र, प्लेट में अंगूर खा रहे हैं। बगल में एक सिंधी शिष्या बैठी है जो पंखा झल रही है। आबू पहाड़ में दर्शनीय वस्तुओं का अभाव नहीं है, फिर भी साधुओं को देख देख कर मैं अघा नहीं रहा था। गाइड से पूछा, यहां और कोई साधु संन्यासी नहीं है? मेरे गाइड ने इसके पहले मेरे जैसा कोई यात्री नहीं देखा होगा। उसके पास नामी जर्मन, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के सर्टिफिकेट हैं। उन लोगों ने दिलवाड़ा मंदिर, सनसेट प्लांट और अच्छल मंदिर देखे थे, और एक मैं हूं जो केवल साधु सन्यासियों को ही देख रहा हूं। वह क्यों कर यह जान पाएगा कि मुझे क्यों साधुओं को ही देखने का आग्रह है? मगर आज भी योगानंद स्वामी से मेरी भेंट नहीं हुई। कुंभ का मेला, पुष्कर तीर्थ, केदारनाथ, गोमुखी इत्यादि किसी भी तीर्थ स्थान को देखना मैंने बाकी नहीं रख छोड़ा है। योगानंद स्वामी से मिलना जरूरी है, क्योंकि मैं नीरू भाभी को जबान दे चुका हूं। यह आज की बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले बोयाल मुली नामक गांव की एक बहू की कहानी है। घनघोर देहात, न तो वहां कोई पोस्ट ऑफिस है न कोई स्टेशन। उस गांव में पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन से 22 मील बैलगाड़ी में जाना पड़ता है और तीसरा पहर आते आते शाम उतर आती है। बसवारी और चमगादड़ों का मेला लगा रहता है। हाथ में बांस की लाठी थामे दो चार आदमी रास्ते में जाते हुए दिख जाते हैं, वह भी कभी कभी। खांसी की आवाज होती है तो समझ में आता है कि आसपास कहीं आदमी है। गर्मी की छुट्टी थी। मेरी विधवा बुआ के पास जो जमीन जायदाद है सब बोयाल मुड़ी में ही है। माल गुजारी वगैरह चुकाने के बाद अगर 5 रुपए भी घर में आ जाए तो उसे लाभ ही कहेंगे। हर साल वहां जाकर यदि वसूली की जाए तो बुआ जी के हाथ में कुछ पैसे आ सकते हैं, लेकिन वहां जाने वाले आदमी की ही कमी है। इस बार मैं ही गया। वहां मैं बुआ जी के जमाने की कचहरी में जाकर ठहरा। मंजली ताई जी बूढ़ी हो चुकी हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। सहन में धूप में बैठी थी। बोली, छोड़ो छोड़ो बेटा, पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद चिल्ला उठी, अरियो बहू कहां गई? देखो यतीन का लड़का आया है। मगर बहू आसपास कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कहीं से कुछ बच्चे आकर जमा हो गए। मैंने पूछा, फटिकदा कहां है? ताई जी बोली, चौथ किस्त के समय काकुड़गाछी गया है। बाबू लोगों के काम के कारण आजकल उसे नहाने खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती है। पिछले शनिवार को घर आ ही नहीं सका। कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर बोली, अरे ओ बहू कहां गई? यतीन का लड़का आया है। ओ बहू, छोटी लड़की खड़ी खड़ी मेरी ओर ताक रही थी। उसे गोद में लेकर जैसे ही दुलारने लगा कि भय फफक कर रो पड़ी। उसे गोद से उतार कर कचहरी लौट आया। आंगन में शरीफा के पेड़ के नीचे आते ही किसी ने पुकारा, देवर जी। पीछे की ओर मुड़ते ही देखा दरवाजे के बगल में छोटा सा घूंघट डाले नीरू भाभी खड़ी है। चेहरे पर हंसी तैर रही है। बोली, हमारा चंडी मंडप खाली पड़ा है, आप वहीं डेरा डालिए। मैंने कहा, कचहरी में रहना ठीक होगा। नीरू भाभी बोली, भला वह कोई आदमी के रहने के लायक जगह है? सांप बिच्छू है। आप चाय पीते हैं ना? आधे घंटे के बाद एक छोटा लड़का आया और धागे में बंधी एक चाबी देकर बोला, आप मुंह हाथ धो ले, मां आपके लिए चाय भेज रही हैं। शुरू में दो चार दिन रैतों को खबर भेजने में ही गुजर गए। मल्लाह टोला, मुसलमान टोला, पश्चिम टोला और मछुआ टोले के सभी आदमियों को सूचना भेजनी पड़ी कि मैं यहां आया हुआ हूं। जिसके पास जो कुछ बकाया है वह
राय निवास के चंडी मंडप में आकर दे जाए। समूचे गांव के लोग ज्वर से कराह रहे हैं। कुछ लोग आए और थोड़ा बहुत देकर चले गए। सभी ने कहा, माताजी इतना ही लेकर अब की रिहाई करने को कह दे। हुजूर, बीमारी के कारण अब की हम खेत खलिहान की देखरेख नहीं कर सके हैं। देह की कलमी साग ही खाकर अब तक जिंदा है। पास में कानी कोड़ी तक नहीं है। ताई जी एक ही स्थान में बैठी रहती हैं। चंडी मंडप में बैठा बैठा मैं उनकी चिल्लाहट सुनता रहता था। अरे ओ बहू, कहाँ गई? मुझे कमरे के अंदर ले चलो, धूप में पीठ जलने लगी है। मणि आकर कहता, चाचा जी खाना खाने चलिए, माँ ने थाली परोस दी है। खाने बैठता तो ताई जी की दूर से कानों में आवाज आती, किस चीज के साथ खाओगे बेटा? न दूध है न मछली, अब आगे मुल्क में अकाल पड़ गया है। मेरी आंखों के सामने ही गृहस्थी तितर बितर हो गई बेटा, सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है। उसके बाद कहती, फटीक कहता है, माँ तुम एक जगह चुपचाप बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? हम लोग उस जमाने के आदमी हैं, अकेले कपड़ा सोडे में उबाल कर फीचा है, धान सिझाया है, परही भुजी है, सास ससुर को खिलाया पिलाया है, और आज की बहुएं ऐसी होती हैं कि दिन भर ताक धिना दिन नाचती फिरती हैं। तुम आए हो, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे उस पर मैं ठहरी अंधी, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में नाचते गाते रहने से कहीं काम चल सकता है? थोड़ा और भात लोगे बेटा? फिर चिल्ला उठती, अरे ओ बहू कहां गई? ओ ताई जी रात दिन बहू को पुकारती रहती है, सास अंधी है, तीन चार बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उस पर रसोई बनाना, घर और दरवाजे को झाड़ना बुहारना, धान से जाना, परही भूजना, बर्तन मांझना, दिन भर नीरू भाभी काम में जुटी रहती हैं। दिन रात के वक्त तालाब के किनारे लालटेन जलती हुई देख चुका हूं। लालटेन के सामने एक घूंघट कढ़ी धुंधली मूर्ति रहती है। बहुत रात तक कानों में बर्तन मांझने की आवाज आती रहती है। उस दिन खाकर आने के वक्त शरीफे के पेड़ के पास पहुंचा, हुंगा की दरवाजे के पास से फिर पुकार आई, देवर जी। पीछे मुड़कर देखते ही नीरू भाभी को हल्के घूंघट में खड़ा पाया। हंसता हुआ चेहरा, बाएं हाथ से घूंघट को जरा और नीचे करके बोली, मेरा एक काम कर दीजिएगा देवर जी। मैं अवाक हो गया। क्या काम है भाभी जी? जरूर कर दूंगा, मैंने कहा। उसी प्रकार घूंघट खींचकर हंसती हुई बोली, अभी नहीं भैया, रात में। आपके पास वक्त है ना? दो चार साल नहीं बल्कि 15 साल पहले की बात है। मेरी भी उम्र उस वक्त कम थी। अब भी कामकाज के दौरान बीच बीच में नीरू भाभी की बातें याद आती है। बहुत तकलीफ से गृहस्थ चल रही थी, संपन्नता का कहीं लेस नहीं था। एक ही साड़ी को सोड़े में उबालकर फीचकर पहनना पड़ता था। रात को साड़ी को उतारकर फीचे हुए कपड़े को पहनकर विधवा सास के लिए जल्दी जल्दी रसोई बनानी पड़ती थी। उसके बाद नींद टूटते ही बच्चों का झुंड अपनी फरमाई से रखने लगता था। जेठ विदेश में जमींदार के यहां रिश्तेदार का काम करता था। सप्ताह में एक दिन घर आता था। वह अपने साथ महीने भर के लिए तेल, नमक, हल्दी, मसाला वगैरह ले आता था। कभी कभी महीने भर तक लापता रहता था। कहां है, जिंदा है या नहीं, यह भी जानने का कोई उपाय नहीं। हो सकता है कि खाना पिलाना खत्म कर आधी रात के वक्त वह तालाब के किनारे बर्तन मल रही हो, बाल बच्चों को बहलाकर सुला दिया हो और खुद भी खाना खा लिया हो। तभी गुलाम मुल्ला की गाड़ी पर माल लदवा कर फटिकदा आ जाए। माँ जग जाती है और रोना शुरू कर देती है। कहती है, मुझे ऐसी नौकरी की कोई जरूरत नहीं, मैं जिंदा हूं या मर गई इसकी खबर तक नहीं लेता है। फटिकदा बड़ा ही मातृभक्त है। माँ के लिए पान सुपाड़ी इसका गुड़ ले आया है। सबको एक एक कर उतारते हुए कहता है, माँ तुम कैसी हो? बूढ़ी अपनी रोलाई को थाम नहीं पाती है, कहती है,
किसी दिन आने पर खबर मिलेगी कि मैं मर चुकी हूं। महुआ टोले के आदमी कंधे पर रखकर मशान में जलाए हैं। अब तू मुझे नहीं देख पाएगा। फटिकदा झारी से हाथ पैर धोता हुआ कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी मौत ही वो जावे तो अच्छा हो। इस बात के बाद फटिकदा के लिए कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता है। पूछता है, मल्ला टोले के केदार सरदार का क्या हालचाल है मां? इस बार गठिया की बीमारी से उसकी हालत बुरी हो गई थी। कुछ देर तक खामोशी छाई रहती है। उसके बाद वह फिर पूछता है, पश्चिम टोले के उमेश ढाली को सन्निपात ज्वर हुआ था, वह कैसा है? कुछ सुना है? मां कहती है, मैं खुद अपनी परेशानियों से मरी जा रही हूं। ऐसी हालत में किस किस की खबर रखूं? मेरा कौन अपना आदमी है जो खबर पहुंचा जाए? कितने बेटे बहुए हैं? तू विदेश में पड़ा रहता है। मेरी बहू भी जिंदा नहीं रही। एक और लड़का था जो इस कुलक्षणा बहू के व्यवहार से परेशान होकर वैरागी बन गया। उसके बाद आंखों के आंसू पहुंचकर और रुलाई रोक कर कहती है, और अभी जो है वह बड़ी ही कुशल गृहिणी है। मुझ में इतनी हिम्मत कहां कि उसे हुक्म करूं। रसोई बनाकर खिला देती है, इसी पर कितना ताना मारती है। फटिकदा कहता है, छोटी बहू तो तुम्हारी सेवा करती है मां। बात जैसे ही कानों में पहुंचती है सांस उछल पड़ती है, जिस तरह सांप पर नजर पड़ने पर कोई चिहुक उठता है। कहती है, मेरी सेवा करेगी? तब तो हो चुका, मेरी जैसी सांस मिली है, नहीं तो क्या? कहना नहीं हो सका। छोटी बहू घूंघट काढ़े गरम तेल की कटोरी लेकर आई, बोली, आपके लिए मालिश का तेल ले आई हूं मां। मालिश कर दूं? ताई जी आग बकुला हो गई, बोली, देख, अब तुझे देखकर सास की खातिर सेवा हो रही है। रोज रोज यह बात कहूं तो तू यकीन नहीं करेगा। फटिक, दिन भर तेल तेल कह चिल्लाती रहती हूं। बातचीत करने से तकलीफ महसूस होती है। सोचती हूं मालिश करने से थोड़ी राहत मिलेगी। गरम तेल लाकर दे दे तो मैं खुद ही मालिश कर लूं। वह भी नहीं मिलता है। अभी तुझको देखकर मेरी सेवा जतन करने आई है। छोटी बहू ने घूंघट की ओट में कहा, शाम को आपने मुझे कहा था कि सोने के पहले मालिश कर देना, इसलिए। बकवास मत करो बहू। सास से बकवास करना ठीक नहीं होता है। सास उम्र में बड़ी होती है। बकवास करोगी तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मगर तुम्हारी जीभ गल कर गिर जाएगी। मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए ही कह रही हूं। उसके बाद थोड़ी देर तक और रोलने के बाद बोली, मेरी किस्मत ही खोटी है, वरना फटिक से पूछकर देख लो, वह गवाह है। लक्ष्मी जैसी मेरी बहू थी, जबान से बात निकलते न बिकलते सब कुछ लाकर हाजिर कर देती थी। यह मेरी ही तकदीर का दोष है, नहीं तो पेट का जना लड़का कहीं वैरागी होता है, उसे कौन सा दुख था? मैंने बड़ा पाप किया था। छोटी बहू सास को पहचानती है, फिर भी गरम तेल लेकर मालिश करने को आगे बढ़ी, मगर सास ने तेल की कटोरी उठाकर आंगन में फेंक दी। मेरी मालिश ही अभी जरूरी है। देख रहा है ना फटिक, देख ले, तू तो विदेश में रहता है, मैं घर पर कितना सुख से रह रही हूं। तू अपनी आंखों से देख ले, मेरा लड़का विदेश से थका मांदा आया है। भूख से मेरे लाडले के प्राण छटपटा रहे हैं। पहले उसके लिए रसोई बनाना जरूरी है या मेरी मालूश? अपना जना कोई बाल बच्चा होता तो मां का दिल समझ सकती थी। बहू ने कहा, भात बन चुका है मां, अब शोरबा पक रहा है। फटिक शायद सब कुछ सुन रहा था, बोला, नहीं नहीं मां, मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं, मैं कैस्टोगंज में खाना खा चुका हूं। शशि विश्वास से मुलाकात हो गई, बिना खिलाए छोड़ा नहीं, मैं कहना ही भूल गया था। मां और जोर से रो पड़ी, खाकर तो तू आएगा ही बेटा, जानता ही है कि घर पर कोई नहीं है, मेरी आंखें ठीक नहीं रहती, घर की यह हालत होती।
सब लोग चूल्हे भाड़ में चली जाए। छोटा बेटा चला ही गया है, अब तू भी वैरागी हो जा। मैं अब कितने दिन जिंदा रहूंगी? इसके बाद यह पिसाचिन, अरियो बहू, सुन रही हो? हर रोज ऐसा ही होता है। खाते वक्त मणि पूछता है, चाचा जी थोड़ा सा भात और दिया जाए? मां पूछ रही है। रसोई घर की ओर ताकता हूं तो वहीं हंसता हुआ चेहरा नजर आता है। घूंघट से चेहरा ढककर उसकी ओट से मुस्कुरा रही है। मणि कहता है, जानते हैं चाचा जी, आज मां गिर पड़ी थी। गिर पड़ी थी? अरे यह क्या, कहां? तालाब के घाट पर। सिर से बहुत खून गिरा है। दवा किसने दी? बहुत चोट लगी होगी। नहीं नहीं, मां को चोट क्यों लगने लगी? वह क्या छोटी बच्ची है? मां क्या मुन्ना की तरह रोती है? हंसने लगी। मां ने कहा कि दादी जी से कुछ मत कहना। मैंने दादी जी से कुछ नहीं कहा। मैंने मल्लिक लोगों के बगीचे से गेंदे की पत्ती लाकर दी। मां ने उसे पीसकर सिर पर लगा लिया। मैं बोयाल मुड़ी में था ही कितने दिन। मेरा वह जाना पहला और आखिरी था। उस बसवारी और चमगादड़ों के राज्य में, गठिया और टाइफाइड के पीठ स्थान में, दरिद्रता और लांछना की केंद्र भूमि में। मगर बोयाल मुड़ी के उस चरित्र की बातें आज तक नहीं भूला हूं। नेरू भाभी आजीवन मेरा पीछा करती रही हैं। आंख बंद करते ही उस हंसी को मैं अपने कानों से सुनता हूं। ताई जी कहती, मुझली की हंसी नहीं देखी है। हंसी की आवाज सुनते ही बदन में आग लग जाती है। फिर भी खसम अगर घर में रहता और गोद भरी रहती। तब रात के करीब 12 बज चुके होंगे। बिस्तर पर लेटा लेटा मैं किताब पढ़ रहा था। एकाएक बाहर किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। देवर जी आप सो गए क्या? नीरू भाभी की आवाज थी। मैं हड़बड़ा कर उठा और दरवाजा खोल दिया। आइए आइए भाभी जी, इतनी रात हो चुकी है, मैंने सोचा अब आप नहीं आएंगी। नीरू भाभी बोली, अभी तुरंत काम से छुटकारा मिला है भाई। बर्तन मांजने के लिए रसोई घर साफ करना पड़ा। उसके बाद मुन्ना की कथरी बदलकर सास के सिरहाने पानी का लोटा रखाई। सब कुछ करने धरने के बाद आई हूं। काम का कोई और अंत है भाई? यह कहकर नीरू भाभी हंसने लगी। देखा, लाल किनारी की साड़ी को देह में अच्छी तरह लपेट कर आई है। आहिस्ता से दरवाजे को बंद कर नीरू भाभी बिस्तर के एक कोने में बैठ गई। मैंने कहा, आप पांव ऊपर कर अच्छी तरह से बिस्तर पर बैठिए। भाभी जी मैं इस कुर्सी पर बैठ जाता हूं। नीरू भाभी बोली, तब हो चुका, मेरा इतना खातिर सम्मान मत करें। आप 2 दिन के लिए आए हैं, जाकर कहिएगा कि मान खातिर करना नहीं जानती है, बिल्कुल जंगली आदमी है। घर जाकर बोयाल मुड़ी की भरपूर निंदा कीजिएगा ना। आपकी भला कोई निंदा कर सकता है भाभी जी? नीरू भाभी बोली, यह सब आप मुंह के सामने कह रहे हैं। मैं आप लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूं। कलकत्ते के रहने वाले कहीं सीधे साधे होते हैं? कलकत्ते के आदमी बहुत बुरे होते हैं भाभी जी। नीरू भाभी गाल पर हाथ रखकर हंसने लगी। बाप रे, मैंने ऐसी बात कब कही? मैंने आपको कब बुरा कहा? मैं रात दिन इस चिंता में रहती हूं कि आप पेट भर नहीं खाते हैं। भात के साथ जो चीजें देती हूं उससे। एक क्षण में नीरू भाभी के चेहरे का भाव बदल गया। दूर बसवारी की ओट से एक सियार भौंकने लगा। उसके बाद बहुत से सियारों की संवेत आवाजें गूंजने लगी। नीरू भाभी चिहुक उठी, मानो उनकी संज्ञा लौट आई हो। आपने अपना काम नहीं बताया, मैंने कहा। नीरू भाभी बोली, आपको जरा कष्ट देने आई हूं भाई, कुछ अन्यथा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, कष्ट की क्या बात है, आप बताइए कि क्या काम है। नीरू भाभी फिर द्विधाग्रस्त होकर बैठी रही। बोली, आप सच कह रहे हैं, कुछ अन्यथा नहीं मानिएगा, सच सच बताइए, वादा कीजिएगा।
पहले बताइए कि काम क्या है। नीरू भाभी बोली, नहीं भैया, मैं किसी को कष्ट देना नहीं चाहती। कष्ट देने से मेरी ही हानि होगी। कहिए, ठीक कह रही हूं ना कि दूसरे को कष्ट देने से अगले जन्म में मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा, कोई जाने या न जाने। मगर चित्रगुप्त के खाते में तो सब लिखा जाता है। मैं कुछ और न कहकर इतना ही कहा। आपको तो हर कोई कष्ट देता है। नीरू भाभी जैसे अवाक हो गई। कौन मुझे कष्ट देता है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, आपको कोई कष्ट नहीं देता। देने दीजिए, मैं उसे कष्ट के रूप में लेती ही नहीं। इस जन्म में मुझे जो कष्ट देगा, अगले जन्म में उसे ही कष्ट भोगना होगा। मैंने शायद पिछले जन्म में दूसरों को कष्ट दिया था, मगर माथे के ऊपर भगवान है और वह सब कुछ देखता रहता है। कहिए, देखता है ना देवर जी। उस दिन मैं ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में अनेक तर्क कर सकता था, लेकिन नीरू भाभी के सामने बैठे रहने के कारण मेरा विश्वास अविश्वास और द्विधा न जाने एक क्षण में कहां अंतर्ध्यान हो गई। उस आधी रात के अंधेरे परिवेश में चारों ओर फैली बसवारी और चमगादड़ों के पीठ स्थल में एक धुंधली रोशनी से भरे चंडी मंडप में बैठकर नीरू भाभी से तर्क करने की दुष्प्रवृत्ति मेरे मन में क्यों नहीं जगी, उसका कारण संभवतः एकमात्र मैं ही जानता हूं। अचानक नीरू भाभी ने कहा, खैर अब काम की बात करनी चाहिए। यह कहकर उन्होंने समीज के अंदर से 3 पैसे का एक जोड़ा पोस्टकार्ड बाहर निकाला। बोली, राधु की मां की मार्फत यह पोस्टकार्ड मंगाया है, मगर लिखने के अभाव के चलते पड़ा हुआ है, आप लिख दीजिएगा। पोस्टकार्ड की शक्ल देखकर मुझे हैरानी हुई। बहुत दिनों से अव्यवहित पड़े रहने के कारण गर्द से मैला हो गया था, अब लिखने से स्याही फैल जाएगी। मैंने पूछा, इसे कब खरीदा था, कितने साल पहले। नीरू भाभी ने कहा, कितने साल पहले खरीदा है क्या याद है। मैं अगर लिखना पढ़ना जानती तो मेरे लिए चिंता की कौन सी बात थी। पोस्टकार्ड को खींच खांच कर मैंने सीधा किया और पूछा, किसे लिखना है। मेरी मां को। पता क्या है, मेरे भाई का नाम लिखिए, श्रीयुत माखनलाल भट्टाचार्य, और इसके ऊपर मेरी मां का नाम लिख दीजिए। डाकघर का नाम, बड़मातल्ला। घर, नींबूतल्ला। बस इतना लिखने से ही चिट्ठी पहुंच जाएगी। मैंने खुद नींबू पिरवा लगाया है, इतना बड़ा बड़ा नींबू फलता है, जानते हैं देवर जी। बासी भात में निचोड़कर खाने से कितना स्वादिष्ट खाना हो जाता है। माखन कहता था, यह मेरा नींबू का बिरवा है, और मैं कहती थी मेरा है। बस इसी बात पर हम दोनों में झगड़ा छिड़ जाता था। कुछ देर चुप रहने के बाद नीरू भाभी पुनः बोली, अच्छा आप ही बताइए तो देवर जी, पिताजी के अपने बगीचे से नींबू का पौधा लाकर मुझे दिया, मैंने अपने बगीचे में उसे रोपा, उसने सिर्फ उसे सींचा है, ऐसी हालत में बिरवा मेरा हुआ या उसका, आप ही इंसाफ करें देवर जी। मैंने कहा, पौधा लाकर आपने रोपा है इसलिए बिरवा आपका ही हुआ। नीरू भाभी बोली, मगर माखन यह बात मानने को तैयार नहीं है, उसकी देह में ज्यादा ताकत है, मुझे घुसा का मारता था, मां यह तब देखती नहीं, उल्टे मुझे ही डांटती फटकारती थी। मां कहती, गलती तेरी ही है, 2 दिन के बाद तेरा ब्याह होगा, ससुराल की जिम्मेदारी संभालनी होगी, पति होगा, बाल बच्चे होंगे, फिर औरत जात होकर भाई से क्यों झगड़ती है। मां की बात सुनकर आप क्या कहेंगे देवर जी, उनका इंसाफ देख लिया ना। मैंने कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है। नीरू भाभी ने कहा, उसके बाद आया मेरी शादी का दिन, उस समय मेरी उम्र 10 साल होगी, 12 दूल्हा आया है, हारानी दूल्हा देखने आई है। मैंने फुसफुसाकर हारानी से पूछा,
मेरा दूल्हा देखने में कैसा है? उस समय मैं बहुत छोटी थी ना, किसे दूल्हा और किसे दुल्हन कहा जाता है कुछ भी मालूम नहीं था। माँ के कानों में भनक पहुंची, कितनी बिगड़ी, जितनी की क्या कहूँ देवर जी। कहने लगी, मुंह जली ने हया शर्म को ताक पर रख दिया है, अभी से दुल्हा दुल्हन कहना सीख गई है। ससुराल में जब लाठी जूते बरसेंगे, सास जब पीठ पकड़कर मारेगी तो रोते रोते दम निकलेगा, तब मेरी बात मीठी लगेगी। यह लड़की मुझे बिना मारे दम नहीं लेगी, यही सब। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद फिर कहने लगी, 10 साल की उम्र में इतनी अक्ल कहां से आ सकती है? अब भले ही यह बात समझ में आती है कि माँ जो कुछ कहती थी मेरी भलाई के लिए ही कहती थी, मुझे ससुराल के लोग प्यार करें इसलिए उतना सिखाती थी, तब उतनी समझ ही कहां थी। माँ का डांटना फटकारना वाजिब है, माँ से बढ़कर दुनिया में कहीं कोई होता है देवर जी? मैंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नीरू भाभी एकाएक चौंक उठी, बोली, खैर यह सब बेकार की बात है, आप लिखना शुरू कीजिए। क्या लिखूं? मैंने पूछा। लिखिए, तुम्हारे लिए मेरा मन बड़ा ही उदास रहा करता है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा करती हूं, तुमसे मिलने की इच्छा होती है, बस यही सब लिखिए। मैंने लिख दिया। पूछा उसके बाद, नीरू भाभी ने कहा, क्या लिखा है एक बार पढ़िए तो। मैंने पढ़कर सुनाया। नीरू भाभी ने कहा, ठीक है, अब हरानी की बातें लिखिए। हरानी कहाँ है, ससुराल में या मायके में? मायके आती है या नहीं? हरानी के कितने बाल बच्चे हैं? और लिखिए, माखन को भेजकर एक बार मुझे वहां बुलवा लो, मुझे मायके जाने की बेहद इच्छा है, खर्च के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपने हाथ का कंगन बंधक रखकर मैं गाड़ी के लिए किराए का इंतजाम कर लूंगी। माँ के लिए मैंने एक सफेद जोड़ा बिना किनारी की धोती खरीदी है और माखन की औरत के लिए बैंगनी रंग की साड़ी। यहां से जाने के वक्त माखन के बाल बच्चों के लिए चीनी की चाशनीदार 2 हांडी मुड़की लेती आऊंगी। अब इस दुनिया में कितने दिन जिंदा रहना है? कुछ देर तक चुप्पी साधे रहने के बाद बोली, क्या लिखा एक बार पढ़िए तो देवर जी। आहिस्ता आहिस्ता रात काफी गहरा गई। दोबारा सियारों के झुंड ने बसवारी से चिल्लाकर रात के एक और पहर के बीतने की सूचना दी। मैंने कहा, और क्या लिखूं बताइए। नीरू भाभी बोली, और लिखिए। नीरू भाभी कहते कहते रुक गई, पता नहीं कान खड़ा कर क्या सुनने लगी। बोली, अभी आई देवर जी, मुन्ना उठ गया है, चलो नहीं तो बिस्तर में पेशाब कर देगा। यह कहकर वह हड़बड़ा कर उठी और तेज कदमों से चली गई। पहले पहल जिस दिन बोयालमुड़ी गांव पहुंचा था, बाहर से वहां केवल मच्छर, गठिया, टाइफाइड, लाठी, खांसी, भसवारी और चमगादड़ पर ही नजर पड़ी थी, मगर उस क्षण उस आधी रात के अंधेरे में राय निवास के उस चंडी मंडप में बैठे बैठे मुझे लगा, बोयालमुड़ी गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर। सिर्फ एक आदमी के कारण बोयालमुड़ी गांव का सब कुछ सौंदर्यपूर्ण हो उठा है। मैं शहरी आदमी हूं, सिनेमा, रेडियो, ट्राम, बस से भरे पूरे जंगल का निवासी हूं, परंतु उस क्षण कलकत्ता शहर भी जैसे बोयालमुड़ी के सामने बौना, सकरा और अंधार महसूस होने लगा। सहसा भाभी जी फिर कमरे में आई, बोली, सो गए देवर जी? आपको तकलीफ हो रही है तो आज रहने दीजिए ना। भाभी जी, मैं और 2 दिन ठहरूंगा, मैं आपकी चिट्ठी लिखना खत्म करने के बाद ही जाऊंगा। नहीं भैया, आज बहुत दिनों के बाद चिट्ठी लिखी जा रही है, बहुत दिनों से माँ की कोई खबर नहीं मिली है, मन बहुत बेचैन रहता है, माखन चिट्ठी भेज सकता था, कहिए वह 3 पैसा खर्च कर 2 पंक्ति नहीं लिख सकता है? और होता तो मेरे दिल की बात जानता, मानती है मेरी हालत अच्छी नहीं, मुझे ये लाकर खिलाने के लायक पैसा तेरे पास नहीं।
कर्ज लेकर यजमानों से भीख मांग कर तुझे इतने इतने बाल बच्चों की रोजी रोटी चलानी पड़ती है, मगर बात महज 3 पैसे की है, और अगर कहता तो 3 पैसा मैं ही दे देती। कहते कहते भाभी जी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, उसके बाद हंसने लगी। असली बात यह नहीं है, असली बात क्या है जानते हैं देवर जी? क्या? मैंने पूछा। असल में वह मुझसे रूठ गया है। आपसे रूठ गए हैं? हाँ, रूठने के अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। मेरी ससुराल की हालत ठीक, जेठ जमींदार के सिरेस्ते में काम करते हैं, गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए मेरे हाथ में रुपए पैसा रहता है, यह सब बात उन लोगों को मालूम है। मैं उनकी गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए पैसा क्यों नहीं भेजती, असली बात यही है। सो आप तो राय निवास की हालत देख ही रहे हैं देवर जी, जब बोलवाला था उन दिनों की बात कुछ और थी, मगर अब तो ऐसी हालत है कि भात के साथ आपको खाने के लिए क्या दूं, मुझे यही चिंता लगी रहती है। गुड़ फरी से बच्चों को भले ही बहला लूं, मगर बूढ़ी सास को कैसे समझाऊं, वे कुछ भी नहीं समझती। सच कहिए तो मेरी अपनी गृहस्थी नामक कोई चीज तो है ही नहीं। कहिए है? मैंने कहा। क्यों? आप नहीं क्यों कह रही हैं भाभी जी? आपके जेठ के बाल बच्चे भी तो आपके अपने बाल बच्चे जैसे हैं, वे तो आपको ही मां कहकर पुकारते हैं। सो रहे, मगर अपने पेट के बच्चे और पराए के बच्चे एक जैसे तो नहीं हो सकते। मेरी जेठानी अब जिंदा थी तो कहा करती थी, तू ही अच्छी है, कोई झंझट झमेला नहीं। वही जेठानी कहां गई और मैं ही अब कहां हूं। उनके बाल बच्चों को लेकर ही मेरी गृहस्थी है। मेरे जेठ बीच बीच में आकर उन्हें देख सुन जाते हैं और हर महीने रुपए भेजकर निश्चिंत हो जाते हैं, मगर परेशानी तो मुझे ही उठानी पड़ती है। सो वे चाहे जेठानी के बच्चे हों, चाहे अपने पेट के ही बच्चे क्यों न हो, मां के पास जाइएगा तो बच्चों को क्या अपने साथ लेते जाइएगा, वरना उनकी देखभाल कौन करेगा? नीरू भाभी का चेहरा एकाएक बुझ गया, बोली, इस पर भी मैंने बीच बीच में सोचा विचारा है देवर जी, कहती जरूर हूं कि मायके जाऊंगी, मगर इनकी देखभाल कौन करेगा? मैं अगर एक क्षण भी उनकी आंखों से ओट हो जाऊं तो वे बेचैन हो उठते हैं। कौन उन्हें कुर्ता पहना देगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन नहलाएगा? एक पल चुप रहने के बाद नीरू भाभी ने फिर कहा, मेरी बला से कौन उनकी चिंता में घुलता रहे, इस दुनिया की हालत आप देख ही रहे हैं देवर जी, सभी अपने अपने स्वार्थ की बातें सोचते हैं। वे जब बड़े हो जाएंगे तो यह बात उनकी समझ में आ जाएगी कि मैं उनकी कौन होती हूं। कहा जा सकता है कि कोई भी नहीं? कहते कहते नीरू भाभी सहसा चुप हो गई और बोली, लगता है मुन्ना रो रहा है। मैं कान खड़ा कर सुनने लगा, बोला, कहां कहां कोई रो रहा है? लीजिए, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता रहता है, लगता है सोई हालत में कोई मुन्ना खाट से गिर न पड़े। रात में नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। मेरी जेठानी क्या मरी, मुझे खूब कसकर डोरी से बांध कर चली गई। इस गृहस्थी को छोड़कर कहीं भाग जाऊं तो मेरी जान बचे। इच्छा होती है जहां ये दो आंखें ले जाए वहीं भाग कर चली जाऊं, मगर ये बच्चे, यह अंधी सास, आपने देखा ही है कि सामने मुझे कितना डांटती फटकारती रहती है, मगर आंखों से जरा ओट होते ही पुकारने लगती है, बहू ओ बहू। बुढ़ापे में उनके मुंह से भगवान का कभी नाम नहीं निकलता, राधा कृष्ण का नाम नहीं जपती है, बस सिर्फ बहू और बहू, मानो बहू ही उनका ध्यान योग तप हो। नीरू भाभी एकाएक बोली, खैर बेकार की बातें हैं, आप 2 दिन के लिए आए हैं और आपको अपनी बातें सुनाकर कष्ट दे रही हूं। छी छी, आप सो भी नहीं सके। मैंने कहा, मुझे क्या कष्ट हो रहा है, आप ही को
पौ फटते न फटते बिछावन छोड़कर उठ जाना पड़ेगा। नीरू भाभी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, मेरी बात छोड़िए देवर जी, मैं ठहरी तालाब का घाट, गोबर से लिपाई करते करते और रसोई बनाते बनाते ही इस दुनिया से चल बसूंगी, मगर आज तक इसका लेखा जोखा नहीं हुआ कि गृहस्थी किसकी है और कौन खट खट कर मर रहा है। खैर, यह सब सहे, आप एक बार पूरी चिट्ठी पढ़ तो जाइए, सुनो आपने क्या लिखा है। मैं पूरी चिट्ठी पढ़ गया। नीरू भाभी ने झुक कर पूरी चिट्ठी सुनी, उसके बाद चिट्ठी लेकर खड़ी हुई, माथे के घूंघट को अच्छी तरह संभाला और बोली, आपका इतना वक्त जाया कर दिया, मन ही मन बहुत गाली देते होंगे। छी छी, मुझे आप जैसी भाभी मिली है, लाभ तो मुझे ही हुआ है। लाभ क्या हुआ है अच्छी तरह समझती हूँ, एक दिन देवर को मन के लायक खाना खिला सकूं, भगवान ने इतनी सामर्थ्य भी नहीं दी है, क्या कहूं। देखिए तो आपकी घड़ी में क्या बजा है। घड़ी की ओर देखकर मैंने कहा, 2 बजने में। उफ, कितना बड़ा अपराध हो गया, मेरे पाप का कोई और अंत नहीं है। अच्छा चलूं भाई, यह कहकर नीरू भाभी कमरे से बाहर जाने लगी। एकाएक उनके पांव थम गए और मुड़कर बोली, आप अगले मंगलवार को जा रहे हैं। हाँ, अब आप लोगों को कितने दिनों तक कष्ट देता रहूं। बहुत कष्ट दे रहे हैं आप, ऐसा कष्ट बीच बीच में देते तो जीने का कम से कम बहाना तो मिल जाए। उसके बाद जब विवाह शादी हो जाएगी तो बोयाल मुड़ी को बिल्कुल भूल ही जाएगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। नहीं भाभी जी, बहुत जगह का चक्कर काट चुका हूँ, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और काशी गया था, मगर बोयाल मुड़ी आने पर जो लाभ हुआ वह कहीं नहीं हुआ। नीरू भाभी संभवतः हंसे जा रही थी, मगर एकाएक अपनी हंसी रोक कर बोली, अच्छा देवर जी, एक बात कहूँ, आप बहुत सारी जगहों का चक्कर काटते रहते हैं ना, बहुत से तीर्थ स्थान का भ्रमण करते रहते हैं। मैंने कहा, हाँ बुआ जी के साथ बहुत सी जगहों की परिक्रमा करनी पड़ती है। नीरू भाभी बोली, आप मथुरा से हो आए हैं, काशी से, वृंदावन से, जगन्नाथ क्षेत्र से। हाँ मैंने कहा, वहाँ बहुत से साधी सन्यासी मिलते होंगे, शायद रहते हैं, क्यों। नीरू भाभी तनिक असमंजस में पड़ गई। नहीं, यूं ही कह रही थी, तीर्थ स्थानों में ही साधु सन्यासियों की भीड़ हुआ करती है। मेरी आंखें एकाएक नीरू भाभी की ओर चली गई और उनके चेहरे की मुद्रा देखकर मैं अवाक रह गया। चेहरे की वह हंसी गायब थी। नीरू भाभी का यह चेहरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। नीरू भाभी जैसे अभी महिला नहीं है, माँ नहीं है, गृहिणी नहीं है, यहाँ तक कि भाभी भी नहीं है। अचानक नीरू भाभी एक निमित्त के दरमियाना हुई नारी में रूपांतरित हो गई है, न केवल नारी में बल्कि वधु के रूप में, किसी एक वैरागी की वधु के रूप में। इतने दिनों के दौरान ऐसा रूप जैसे आज पहले पहल मेरी आंखों के सामने आया हो। मैं थोड़ा बहुत अनजाना जैसा हो गया था। अब नीरू भाभी कमरे के बाहर चली गई, मेरे अंदर यह बात आई ही नहीं। उन पर तब मेरी आंखें हंसती हुई बोली, यह लीजिए, मेरे दिमाग का कोई ठोर ही नहीं, मैं अब यह चिट्ठी किसके हाथ से डलवाऊंगी, यह आपके पास ही रहे, आप सवेरे जब डाकघर की ओर जाइएगा तो इसे डाल दीजिएगा। चलो भाई, कमरे में मुन्ने के रोने की आवाज आ रही है। कहा जा सकता है कि नीरू भाभी से जिंदगी में मेरी यह पहली और आखिरी मुलाकात थी। अब नीरू भाभी जिंदा है या नहीं कह नहीं सकता। फटिकदा की अंधी माँ नीरू भाभी की वह दर्पण माला जिंदा है या नहीं वह भी नहीं कह सकता, क्योंकि बुआ जी के मरते ही बोयाल मुड़ी से मेरा तमाम रिश्ता टूट चुका है। लेकिन नीरू भाभी की
अपनी मां से मुलाकात नहीं हुई। यह बात मैं आज भी दृढ़तापूर्वक कह सकता हूं। असल में उस दिन उतनी रात तक मैं जिस पत्र को लिखता रहा था उसे डाकघर में डाला ही नहीं गया, क्योंकि डालने से मुझे मना किया गया था और इस मनाही का आदेश फटिकदा से ही मिला था। आज उसी घटना को सुना रहा हूं। दूसरे दिन भोर के वक्त जब मेरी आंखें अच्छी तरह खुली भी नहीं थी कि राय निवास के चंडी मंडप के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खोलने पर फटिकदा पर नजर गई। जमींदारी सिरेस्ते का काम खत्म करके ढेर सारा माल असबाब अपने साथ लिए एक पहर रात बाकी रहते ही वापस आए हैं। बदन पर कुर्ता डालकर मैं सुबह सुबह पत्र डालने के उद्देश्य से बाहर निकल रहा था। फटिकदा ने कहा, कौन, क्या भया? मैंने पूछा, आप अभी आए? गुड़ की डली, सूप, चगेरी, अरबी, नारियल इत्यादि विविध प्रकार की चीजें गाड़ी पर लदी थी। फटिकदा उन चीजों को उतरवाने में व्यस्त थे। फिर भी बोले, वसूली का काम कैसा चल रहा है भाई? एक पल चुप्पी साधने के बाद फिर बोले, लगता है प्रातः भ्रमण को निकल रहे हो। नहीं, मैंने कहा, नीरू भाभी की एक चिट्ठी है, पोस्ट ऑफिस में डालने जा रहा हूं, बहुत ही जरूरी चिट्ठी है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी बताया, छोटी बहू की? फटिकदा के चेहरे का भाव जैसे आमूल परिवर्तित हो गया हो। बोले, बड़मा तल्ला अपनी मां के पास भेज रही है। हां, मगर? वे बोले, देखूं? मैंने चिट्ठी दी। दो चार पंक्तियां पढ़ते ही पता नहीं फटिकदा को क्या हुआ कि चिट्ठी को उन्होंने चिंदी चिंदी कर दी। बोले, इस चिट्ठी को भेजने से कोई काम नहीं होगा भाई, कुछ अन्यथा मत लेना। फिर भी मेरा अविस्मय दुगना हो गया। फटिकदा बोले, छोटे बहू की यही नीति है, गोद में कोई बाल बच्चा नहीं। स्वामी वैरागी हो गया, उस पर उनकी मां, सो मां चाहे धनी हो या गरीब, आखिर मां ही होती है वह भी। फटिकदा कुछ कहना चाहते थे पर चुप हो गए। उसके बाद बोले, मां भी जिंदा नहीं है, छोटी बहू को इसकी सूचना कैसे दूं? यही मन ही मन सोच रहा था। रैतों के बीच जमीन बंदोबस्ती करने की खातिर बड़मा तल्ला गया था, वही खबर सुनने को मिली। बहू का भाई कैसा निष्ठुर है कि सूचना तक न दी। एक तो छोटी बहू इतनी अशांति से घिरी रहती है, उस पर अगर मां की मृत्यु की उसे खबर सुनाऊं तो पता नहीं नीरू भाभी को किसी दिन इसकी सूचना दी गई या नहीं। अगर पता चल गया होगा तो चेहरे की वह हंसी क्या हमेशा के लिए गायब हो गई होगी। बोयालमढ़ी से लौटने के लिए मन में इच्छा जगी थी कि नीरू भाभी से एक बार मिल जाऊं। मैंने बहुत बार मौके की तलाश की, मगर घर पर जेठ के रहने के कारण वह अवसर आया ही नहीं। कानों में सिर्फ सास की आवाज आई थी, ओ बहू सुन रही हो? ओ बहू, बहू, ओ। जब मैं बाहर निकलने लगा तो फटिकदा बोले, बुआ जी को साथ लेकर तुम्हें बहुत सारी जगहों पर चक्कर लगाना पड़ता है, एक काम करोगे? कहिए, मैंने कहा। फटिकदा बोले, मुझे वक्त नहीं मिलता है और पहले ही जैसी सामर्थ्य भी नहीं रही। हमारे मालिक इस बार कामाख्या गए थे, उन्होंने बताया कि मेरे भाई की शक्ल के एक साधु को उन्होंने वहां घूमते देखा था, पता नहीं क्या बात है। कुछ देर तक चुप रहकर बोले, केवल मेरे मालिक ही नहीं, बारीपुर के कैलाश आचार्य भी पिछले साल श्री क्षेत्र गए थे, वे भी कह रहे थे हुबहू तुम्हारे भाई जैसा चेहरा था। फटिक दाढ़ी मूछों से भरा पकड़ नहीं सका, खिसक कर कहीं चला गया। सो तुम जब भी इधर उधर जाते हो तो एक बार खोज खबर लो ना भाई, मेरी खातिर नहीं, फटिक की औरत की बात सोचकर
मन में तकलीफ पहुंचती है, कुछ भी है तो आखिर औरत ही। उसके बाद मैं मथुरा, वृंदावन, काशी, कामाख्या, हरिद्वार, प्रयाग, पुष्कर इत्यादि स्थानों से हो आया हूं, एक बार नहीं अनेक बार। बुआ जी जब तक जीवित थी तब तक जाना ही पड़ता था, अब अकेला जाया करता हूं, चाहे मंदिर पूजा पाठ इत्यादि देखूं या न देखूं, मगर साधु संन्यासियों को देखना नहीं छोड़ता हूं। साधु पर नजर पड़ते ही उनसे जान पहचान करता हूं, कभी हाथ दिखाने के बहाने, कभी जन्म कुंडली दिखाने के बहाने, और खिला पिला कर जान पहचान करने की कोशिश करता हूं। हेल मेल बढ़ाता हूं इसलिए कि किसी बहाने किस स्थान में बोयालमुड़ी ग्राम के फटिक चंद्र राय के भाई नीरू भाभी के पति का अता पता चल जाए। आज आबू पहाड़ आने पर भी अनेक साधुओं पर नजर पड़ी, सारा पहाड़ गुफाओं से भरा हुआ है, हर कदम पर गुफा है, साधुओं का कोई अंत नहीं। 300 वर्षों का नंग धड़ंग साधु कोई तानपुरा लेकर ध्रुपद गा रहा है, कोई शिष्यगण उसके निकट बैठकर पखावज बजा रहा है, कहीं गुफा में बिजली की रोशनी है, रेफ्रिजरेटर है, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां पहने एक AA रेशमी गेरुआ वस्त्रधारी साधु तस्तरी में अंगूर लेकर खा रहे हैं, और बगल में बैठी सिंधी शिष्या परम भक्ति के साथ उन्हें पंखा झल रही है। कितनी विचित्र है यह धरती, कितने विचित्र हैं आदमी, और कितना विचित्र है आदमी का यह जुलूस। मगर इस सब के बीच में मैं बोयालमुड़ी जैसे उस निपट देहात की उस बहू की बातें किसी भी तरह अपने मन से निकाल नहीं पाता हूं।